रामराज रामराज को लेकर के अभी हमने चर्चा करी, विभिन्न मुद्दों को लेकर के चर्चा रही, लेकिन जब रामराज की बात की जाती है, रामराज यानी आदर्श शासन, और आदर्श शासन तभी हो सकता है जब आदर्श चरित्र हो, शिक्षा हो, और शिक्षा का रामराज में क्या योगदान, इसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा में क्योंकि हमारे साथ जिस तरीके से बताया प्रदीप कौशिक जी हमारे साथ में हैं, आशी गोट जी हैं, पारुल महाजन जी हमारे साथ में हैं, सबसे पहले प्रदीप कौशिक जी से चर्चा करेंगे। रामराज की बात की जा रही है, रामराज की परिकल्पना की जाती है, हालांकि अब 22 तारीख को जब राम मंदिर का वहां पर प्राण प्रतिष्ठा है तो उसको लेकर की ये चर्चा और ज्यादा इन दिनों है, लेकिन शिक्षा का योगदान किस तरीके से देखते हैं रामराज को लेकर के, एक आदर्श चरित्र को लेकर के अगर बात की जाए तो? देखो दीपक, जहां तक बात शिक्षा की है तो एक हेडमास्टर का बच्चा होने के नाते, एक ट्रू टीचर होने के नाते, और बीइंग द ट्रू मैकेनिकल इंजीनियर, मेरी थोड़ी सी आदत है गलतियां छाटने की। तो अभी जो सोनल जी ने कहा प्रिंसिपल, आई एम नॉट द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, द पॉइंट इज कल जी ए इंटरनेशनल स्कूल की 17वीं ब्रांच हमने गांव लुहारी में खोली, मेरा जन्म स्थान के बहुत नज़दीक है, तो वहां भी 3-4 अनाउंसमेंट आज सुबह अखबार में जो आया हुआ है, जी ए इंटरनेशनल स्कूल लुहारी था बट साथ साथ पटोदा लिखा हुआ है। तो वहां भी मैंने मीडिया को और न्यूज़पेपर वालों काम को, कम से कम अब जब इतनी बड़ी स्पॉन्सरशिप लेते हो तो लिखना और कहना तो सीख लो। रही बात शिक्षा से जुड़े मुद्दों को राम मंदिर के साथ या राम जन्म के साथ या राम लला के उसके साथ, बहुत शानदार, यदि मेरी आवाज़ आपके मंच के माध्यम से पूरे देश को जाए, 495 सालों के बाद 1528 में बाबर ने राम मंदिर को गिराया था, और अब तकरीबन 500 सालों के बाद 22 जनवरी इसी महीने वो दिन आ रहा है जब पूरा देश, मुझे ऐसा लगता है कि अभी पिछले सेशन में जब सोनल जी सवाल पूछ रही थी डीपी गोयल जी से कि राम को किस रूप में देखना चाहते हो, मुझे तो राम उस रूप में दिखता है कि जहाँ एक भाई सिर्फ खड़ाऊ लेके आ जाए और सिर्फ उसकी पूजा करके भाई भाई देश को या पूरे समाज को चला लें, पूरी सोच को डेवलप कर दें। तो मेरे ख्याल से जब लीडरशिप, बहुत सारा क्रिटिसिज्म चलता है बीजेपी पे या नरेंद्र मोदी जी पे या कुछ और, मुझे तो ऐसा लगता है मैं खुद कन्वर्ट हुआ हूँ इस लीडरशिप के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति, कि एक आदमी इतनी बड़ी सोच को लगता हो कि जब वो कहते हैं कि आज से, चाहे वो नोटबंदी आई हो, चाहे आज अब 22 जनवरी को राम मंदिर आ रहा है, कि जब आह्वान किया है तो पूरा देश राम में हो रखा है। स्कूलों के प्रोग्राम जो सिर्फ बॉलीवुड गानों पे होते थे वो आजकल श्री राम के गानों पे हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक सोच है, एक प्रतीकात्मक शैली है कि जब एक लीडर राम की बात करता है तो सारा देश राम राम करता है, नहीं तो राम राम कहने वालों को लोग गांवड़ी कह दिया करते थे, ग्रामीण कह दिया करते थे। आज मंच से, टेलीविजन के मंच से लोग पहले नमस्ते और गुड मॉर्निंग छोड़ के राम राम करते हैं, तो मेरे ख्याल से पूरा देश राम में है, और इससे बड़ी और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि चाहे स्टालिन ने सनातन धर्म पर सवाल उठाए या अलग अलग जात धर्म बिरादरी से लोग सवाल उठाते हैं कि राम कौन थे, वही सुप्रीम कोर्ट के जज और वही सारे नेता दिवाली की छुट्टियां बहुत एंजॉय करते हैं, दशहरे पे बड़े शौक से इधर उधर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अब देश को एक लीडरशिप ऐसी मिली है जो सच में पूरे देश को राम राम करा रही है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। प्रदीप कौशिक फिर बताना चाहेंगे कि जीएवी इंटरनेशनल स्कूल्स के चेयरमैन है, तकरीबन 17 स्कूल हैं आपके, कॉलेज और स्कूल्स हैं। चर्चा पे आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ में आशी गोट जी हमारे साथ में है, जो प्रिंसिपल है एल्पाइन कॉन्वेंट स्कूल की। मैम, कहा जाता है शिक्षा जब जन्म के साथ माता पिता दादा दादी परिवार, उसके बाद वो बच्चा जब घर से बाहर निकलता है उसके बाद एक अहम जिम्मेदारी शिक्षा उसके अंदर हो जाती है। कोई बच्चा जब जाता है स्कूल और घर दोनों की अहम जिम्मेदारी, स्कूलों में किस तरीके से देखते हैं शिक्षा का, और खासकर बदलती शिक्षा पद्धति में अध्यात्म कहाँ है, किस तरीके से अहम है, आप क्या कहेंगे? प्रश्न के लिए शुक्रिया। सबसे पहले आपका प्रश्न जो है वो शिक्षा और जो आज हमारा प्रोग्राम है उससे जुड़ा हुआ है। बीइंग अ स्कूल लीडर, मैं कुछ शब्द इंग्लिश के भी प्रयोग करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। बीइंग अ स्कूल लीडर, मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल मात्र एक ऐसा साधन है, क्योंकि वहाँ पर हमें जो बच्चे हैं मल्ट से लेके 12वीं तक हमारे पास होते हैं, और एक बहुत सारा समय, यानी कि आप मानिए 7 से 8 घंटे वो हमारे साथ रहते हैं, और
अपने जीवन का काफी सारे अनुभव हैं जो वो स्कूल में ही सीखते हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोगों को सब कुछ बच्चों को सिखाना होता है, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड है, शिक्षा में स्पेसिफिकली जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, चाहे वो हमारा धर्म है, चाहे वो बाहर जाके जो चैलेंजेस फेस करेंगे, चाहे वो स्कूल में चैलेंजेस करेंगे, चाहे वो ग्रोथ है। तो अगर मैं बात करूँ सर्वधर्म, हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि सर्वधर्म सम्मान, जो हमारे संविधान का भी मूलभूत सिद्धांत है, जिसपे हमारा संविधान बेस्ड है, तो सबसे पहले हमें हमारे बच्चों को एक ओपन विजन देना पड़ता है। क्योंकि आज के बच्चे के पास में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो है टेक्नोलॉजी, जो शायद हमारे एज ग्रुप के पास नहीं थी, और थी भी तो उस समय हम क्वेश्चंस के साथ घिरे हुए थे। तो जब बच्चों के पास टेक्नोलॉजी है, शायद हम स्कूल आए या हम टेलीविजन देखें तो हमें सब चीज़ों के बारे में पता लगेगा, पर आज के बच्चे को एक मोबाइल के ऐप से सब कुछ पता है, उसके दिमाग में वो सारे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का जवाब हम एज एन अडल्ट एज अ टीचर्स दे सकते हैं। तो मुझे जब लगता है हम रामराज की बात करते हैं तो रामराज या राम जी के बारे में बात करते हैं, वो इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं जो इंसेप्शन यानी कि मॉन्ट से शुरू की जाए और 12th तक पढ़ाया जाए, कई सालों तक निरंतर उसको प्रयास करवाया जाए, तो मुझे लगता है बच्चों का जो पर्सोना होता है वो वाकई में बहुत बदल जाएगा। क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों में संस्कारों का, वैल्यू सिस्टम का, हमारी जो पास्ट कल्चर है जो अभी हम बदलाव कर रहे हैं उनको इम्बाइब नहीं करेंगे, तब तक इस पीढ़ी को जो कि समाज को आगे ले जाएगी उसका विकास करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो मैं ये मानूंगी कि जितने हमारे शिक्षक हैं, जो भी हमारे शिक्षक गण हैं, अगर सब मिलके हमारे वैल्यू सिस्टम कल्चर जो अभी इतना बड़ा काम होने जा रहा है 22 तारीख को, उसके बारे में सब स्टूडेंट्स को, इवन माता पिता का भी कंट्रीब्यूशन हो, तो उसके अंदर हम अपने बच्चों को ये बता सकें कि हमारे पास्ट में एक इतनी ठोस, एक इतनी बड़ी चीज़ हमारे पास है कि जिसके लिए हमें किसी कॉपी किताब की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे शिक्षक उसको बोलेंगे तो शायद उससे बच्चे जो हैं अच्छी तरह से इम्बाइब एंड फॉलो कर सकेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे साथ में पारुल महाजन जी भी हैं। हम शिक्षा को लेकर के तो बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत अहम भी है, आप खुद विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े भी हैं, किस तरीके से देखते हैं इस रामराज की परिकल्पना आज के समय में समाज में क्षेत्र में, क्या कहेंगे? तो मैं शुरुआत में कहना चाहूंगी कि दया अगर लिखने बैठूं तो अनुवादित होते हैं राम, रावण को भी नमन किया ऐसे थे मर्यादित राम। तो हम रामराज अगर देखें तो श्री राम द्वारा जो आदर्श शासन था उसे हम हिंदू संस्कृति में रामराज के रूप में जानते हैं, पहचानते हैं। युग बदले, माहौल बदला, शासन बदले और आज हम लोग कलयुग में हैं। तो मुझे लगता है कि आज के कलयुग में भी अगर कोई सतयुग के रामराज को स्थापित करने में कामयाब हो पाया है तो वो व्यक्ति, वो महापुरुष स्वयं श्री राम द्वारा भेजे हुए फरिश्ते से कम नहीं। आजकल हम देख रहे हैं हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अपने हिंदू संस्कृति से, अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा दूर हो गई है, अपनी जड़ों को भूल गई है। तो ऐसे में अगर रामराज, अगर मर्यादित राम जो महापुरुष राम हैं, अगर हम उनके बारे में बात करें और जो हमारे युवा पीढ़ी हैं उनको अपनी एक संस्कृति और धरोहर से जोड़ सकें तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। सोशल मीडिया मुझे लगता है कि सबसे बड़ी खुराक है आजकल की जो युवा पीढ़ी की। जो हम खाते हैं खाली वो खुराक नहीं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो भी हमारे अंदर जाता है वो सब हमारी खुराक है, और जो अंदर जाता है वैसा ही व्यक्तित्व बाहर निकलता है। तो आजकल सोशल मीडिया पे हम देखें हर जगह राम मंदिर की, संस्कृति की, हर जगह इस तरह की बातें हो रही हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को ये संस्कार दे पाए तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, बच्चों को संस्कार दे पाए वही सबसे बेहतर है। प्रदीप कौशिक जी फिर एक बार चर्चा करेंगे। हम देख रहे थे बीच में अभी रामकथा का आयोजन किया था, 9 दिवसीय ये रामकथा थी। इससे पहले आपके स्कूल के एनुअल प्रोग्राम में, तो वहां पर भी कुछ धार्मिक प्रस्तुतियां थी। शिक्षा में आप किस तरीके से वो आदर्श शिक्षा या वो संस्कार देते हैं उसको लेके किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, क्या कहेंगे? देखो, बच्चों से पहले दीपक जी, जो आपने कहा कि जो 9 दिवसीय राम कथा कराई, तो देश के जाने माने कथावाचक थे मुरलीधर जी महाराज, और मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं अपने स्कूल प्रांगण में उस राम कथा को कराऊं या राम कथा के जरिए अपनी पब्लिसिटी करूं, या
वहाँ एक कॉमन वेन्यू चुना जाए जहाँ सच में ही लोग उस कथा को सुनने पहुँच सकें। तो इसलिए जब ग्रोवर फार्म में ये वेन्यू चुना गया तो खुद जो कथावाचक थे वो भी कह रहे थे कि आपने अपने स्कूल में कथा क्यों नहीं कराई। मैंने कहा महाराज जी मेरा कथा का मतलब इतना था कि वो जनमानस तक पहुंचे। आपने अप्रैल में कथा करके गए थे आप, और फिर से यदि गुड़गांव को सौभाग्य मिलता है कि आप आपके श्री मुख से राम कथा होती है। 9 दिन जब राम कथा आई, ये एक आयोजन प्रायोजन इसलिए भी था क्योंकि 22 जनवरी आ रही थी, पर देश का हर बड़े जाने माने संत ने, चाहे वो मुनि जी हों, चरण स्वामी जी ऋषिकेश परमात्मा केतन से, और मेरे गुरु भगवानों से स्वामी धर्मदेव जी महाराज, उज्जैन से इतने सारे संत पहुंचे। एक आइडिया सिर्फ इतना था कि जन मानस दोबारा से इस चीज़ को समझे कि श्री राम एक किंवदंती नहीं है, श्री राम पास्ट नहीं है, श्री राम प्रेजेंट है और श्री राम फ्यूचर है। मेरे ख्याल से शिक्षा में जब भी लोग बात करते हैं, कल भी स्वामी धर्मदेव जी महाराज से कुछ पत्रकार पूछ रहे थे कि महाराज जी धर्म में राजनीति या राजनीति में धर्म, आपका क्या कहना है इस बारे में? तो महाराज जी ने बहुत क्लियर सा कहा कि राजनीति में धर्म तो होना ही चाहिए, और जब धर्म में राजनीति ना हो ये अलग बात है। मेरे ख्याल में एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, पर जहाँ तक बात शिक्षा की है, स्कूलों की है, जो मैंने पिछली बार भी कहा था आपके पूछने पर कि अब जब धार्मिकता एक है कि बहुत सारे कट्टरपंथी लोग जुड़ते हैं, जहां शिक्षा अभी क्रिसमस गया तो सेंटा क्लाज के ऊपर ढेर सारी जितनी भी, जैसे मैडम कह रही सोशल मीडिया पोस्ट पे लोगों ने सवाल उठाए कि अभी ये आलू भालू या सेंटा बनाने छोड़ो और श्री नाम की आकृतियां बनाओ। मेरे ख्याल में भारत सर्वधर्म संपन्न सर्वधर्म स्वभाव का देश रहा है, पर क्योंकि अपना सबसे पहले आता है, और जब श्री राम की जो मर्यादाएं हैं, जैसे श्री राम भगवान ने मर्यादाओं का पालन करते हुए 14 वर्ष के वनवास को सहा, मल्हा की नाव में बैठ के नदी पार कर गए और भीलनी होते हुए भी सबरी के जूठे बेर खाए, मेरे ख्याल में शिक्षा जब बच्चों को लगातार, जो मैंने अभी फिर से कहा था पहले ही कि गुड मॉर्निंग जब राम राम से या राधे राधे से कन्वर्ट होगी वो बुरा नहीं लगेगा, जहाँ बच्चों को पनिशमेंट नहीं मिलेगा स्कूल में कि गुड मॉर्निंग की जगह राम राम क्यों बोला, एक सही पद्धति। यदि देश के प्रधानमंत्री 11 दिन का प्रण लेते हैं, यजमान बनते हैं कि हाँ अब मैं 11 दिन तक यजमान बन के अलग अलग मंदिरों में सेवा करूंगा, परसों नासिक के मंदिर में पहुँचा लगा रहे थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऊपर से आती हैं जब बच्चा बड़ों से ही तो सीखता है। और स्कूल में होने के नाते जो जीवी का मोटो है, जो हम लगातार कहते हैं कि शिक्षा का उजियारा बगैर अमीरी गरीबी के भेदभाव के घर घर तक पहुंचे, मेरे ख्याल में उस मुहिम में जब राम जुड़ जाएं, जब कहने को बात आ जाए कि शिक्षा अभावग्रस्त लोगों तक भी पहुंचे, तो मेरे ख्याल में मर्यादा की तरह, जैसे आप कह रहे हो कि राम राज जो आपने थीम दी है, राम राज को शिक्षा के माध्यम से स्थापित करना मेरे ख्याल में सरकारों के लिए और स्कूल संचालकों के लिए भी काफ़ी हद तक आसान होगा। तो बहुत ज़रूरी है, बहुत आनंदित है कि अब जो लगातार फंक्शन स्कूल्स में होते हैं उनमें मेरी झोपड़ी के भाग अब खुल जाएंगे और राम आएंगे। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि सरकारें जब इस चीज़ को ऊपर से लेके चलती हैं, टॉप लीडरशिप से लेके चलती हैं, तो नीचे नीचे सारा देश राम में तो होता ही है। जी बिल्कुल, सारा देश राम में होता ही है और दौर भी है। आशी गौड़ जी से फिर एक बार चर्चा करेंगे। मैम, हम जब बात करते हैं शिक्षा की, इसमें कोई दो राय नहीं है, शिक्षकों की एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अपेक्षाएं आप अभिभावकों से भी रखते हैं, उनसे किस तरह की अपेक्षा, और खासकर उस युग में जब सोशल मीडिया की हम बात कर रहे थे, ये युग है जब बदलती शिक्षा पद्धति है, ग्लोबल युग है, तो आप किस तरीके की अपेक्षाएं रखते हैं अभिभावकों से, और खासकर इस राम राज को लेकर के? बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम अभिभावकों की बात करते हैं, किसी भी स्कूल को जो भी हम शिक्षा दे रहे हैं, उस शिक्षा का पूरा प्रभाव बच्चे पर किस तरह पड़ेगा, वो अभिभावकों पे भी उतना ही निर्भर है। क्योंकि हमारी एजुकेशन में 3 स्टेक होल्डर्स हैं, बच्चे, माता पिता और स्कूल, तो तीनों का ही इम्पॉर्टेंट योगदान होगा। अब बात करते हैं कि जो भी वैल्यू सिस्टम या संस्कार स्कूल डालता है उसको फर्दर कैरी फॉरवर्ड करना, यानी कि हम कहते हैं करत करत अभ्यास की जड़ मत खोज सुजान, जो भी हम स्कूल सिखा रहा है एज एन एजुकेटर, एज अ शिक्षक, तो मैं चाहूंगी कि पेरेंट्स उसका दोहरान करें, उसकी प्रोस एंड कॉन्स, अच्छाइयाँ, जरूरी नहीं है कि कई बार स्कूल में बहुत सारी चीजें पढ़ाई भी जाती हैं, तो
पेरेंट्स अगर उसके प्रोस एंड कॉन्स, क्योंकि हमारे हम अभिभावकों ने हमें ये बताया था कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु सर्व है, तो जब गुरु को इतना बड़ा दर्जा दिया जाएगा और पेरेंट्स भी उसी को एम्फसाइज करेंगे, अगर आज स्कूल बताएगा राम के जो भी वैल्यू सिस्टम थे, यानी कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने अपने बाल्यकाल में क्या किया, जब उनका विवाह हुआ उन्होंने अपने माता पिता की किस तरह से सुनी, तो वो सारे वैल्यू सिस्टम जो भी संस्कार दिए जा रहे हैं स्कूल द्वारा बच्चों को, उन्हीं वैल्यू सिस्टम को अगर पेरेंट्स सीमेंट करेंगे, यदि पेरेंट्स उसका दृढ़ता से पालन करेंगे, तो मुझे लगता है स्कूल का काम कहीं ना कहीं 3/4 कम हो जाएगा। हमारा काम है किसी भी चीज़ को बच्चों के सामने सही रूप से प्रेजेंट करना, और बच्चे जितनी ज़्यादा शिक्षकों की मानते हैं शायद किसी की भी नहीं मानते हैं। शिक्षक को फॉलो करना ही हमने भी किया है और आज की प्रेजेंट जनरेशन भी कर रही है। ये गलत होगा कहना कि बच्चे शिक्षकों की बात नहीं मानते, रादर स्ट्रांगली मानते हैं। तो जो स्कूल सिखाएगा उसी सिखावट को मेरे पेरेंट्स से भी अनुरोध है कि उसको सीमेंट करें, उसका बार बार बच्चों को समझाएं कि ये सही है, तो मुझे लगता है इट विल बी द बेटर प्लेटफॉर्म फॉर द चिल्ड्रन टू कम आउट। जी बिल्कुल, ये अभिभावकों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो शिक्षक शिक्षा बच्चों को देना चाहते हैं अभिभावक भी उसको फॉलो कराएं। पारुल महाजन जी से चर्चा करेंगे, क्या कहेंगे पेरेंट्स के बतौर जिम्मेदारी, और खासकर इस राम राज में सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों में संस्कार हों, क्योंकि वही भविष्य हैं, उन्हीं से ही रामराज की परिकल्पना की जाती है, तो आप किस तरीके की उम्मीदें रखते हैं, क्या कहें? मुझे क्या लगता है कि पेरेंट्स आजकल जो काफ़ी लोग हैं जो मल्टीनेशनल्स में काम करते हैं, बहुत कॉर्पोरेट में काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुद ही इन्फ्लुएंस्ड हैं वेस्टर्न कल्चर से, तो मुझे लगता है कि बड़ों को खुद भी समझना चाहिए कि अपनी संस्कृति से जब तक नहीं जुड़ेंगे, अब हम देखें वेस्ट में अगर, तो वो वापस जो है योग पे वापस जा रहे हैं, आयुर्वेदा पे वापस जा रहे हैं, और हम लोग उस चीज़ को छोड़ रहे हैं और वो लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स शुड वॉक द टॉक, उनको खुद, क्योंकि बच्चे हमेशा देखते हैं कि उनके माँ बाप क्या कर रहे हैं, तो स्कूल में बच्चा जितना समय बिताता है उससे ज़्यादा समय वो घर में बिताता है, तो पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि वो खुद वैसा आचरण अपनाएं जैसा कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे फॉलो करें, जैसा व्यक्तित्व वो खुद अपना बनाएंगे बच्चा उनको देखकर वैसा ही फॉलो करेगा। अगर आप बच्चे को बोलो कि आप खुद सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, और आप चाहें कि आपका बच्चा नहीं करे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको खुद एक आदर्श आचरण एक आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपके बच्चे जो हैं उसे फॉलो कर पाएंगे। जी बिल्कुल, एक आदर्श आचरण खुद को भी फॉलो करना होगा। प्रदीप जी, आपकी वो बात करें जो 17 स्कूल और कॉलेज आपके, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, क्योंकि एक बच्चा जब आता है, आजकल तो प्री नर्सरी का दौर है, नर्सरी उसके LKG UKG और 12th के बाद कॉलेज भी, किस तरीके की उम्मीदें आप सरकार से योगदान के लिए करते हैं स्कूलों और कॉलेज को शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो रामराज की बात करिए, इस युग में सरकार से किस तरह की उम्मीदें? देखो, जहाँ तक बात स्कूल चेयरमैन होने के नाते या संचालक होने के नाते, मैं तो अलग अलग मंच से, जितनी बार भी आप लोग अलग अलग मंत्री संतरियों के साथ मुझे बैठाते हो, मैं एक बात ये करता हूँ कि सरकार चाहे तो बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो माध्यम प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, सरकार एक बार ड्राइव देती है तो, जो मैं अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा था, कि ड्राइव जब ऊपर से आने शुरू होती है तो कण कण तक जाती है, चाहे आप खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करते हो, चाहे आप उन्हें DSP की पोस्ट से लेके इंस्पेक्टर लगाते हो या कैस्ट में रिवार्ड करते हो, उसी तरीके से स्कूल के लिए जब आप नज़दीक से निकलते हो, किसी भी दिन जब आपको लगता है एक लाइब्रेरी के लिए ग्रांट आ जाए, एक बास्केटबॉल कोर्ट के लिए ग्रांट आ जाए, या फिर जो मोटिवेशनल सेमिनार्स हैं, जहां करियर काउंसलिंग सेमिनार्स हैं, जहां ये कहा जाता है कि हाँ, अब बच्चे को पैशन से प्रोफेशन की तरफ लेके जाना है, जहां बच्चे को एक अच्छी ट्रेनिंग दी जानी है, जहां शिक्षा को रोजगार परक किया जाना है, तो GAV नर्सरी स्कूल से लेके फिर पॉलिटेक्निक और डिग्री कॉलेज में इसीलिए आया कि जब बच्चा ANR रैप और एप्पल सीखना शुरू करता है और उसके बाद जब वो टाई लगा के बाहर निकलता है, तो शिक्षा की संपूर्ण जो विधाएँ हैं उसको सिखा के बाहर निकालें। सरकारें लगातार नॉर्म्स रिलैक्स कर सकती हैं, जगह के केस में नॉर्म रिलैक्स कर सकती हैं, जैसे गुड़गांव मेट्रोज के केस में नॉर्म्स रिलैक्स में हैं, सरकार बसों पे सब्सिडी दे सकती है सरकार, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जब कोरोना था तो सरकार ने एक बार में ही जो फिटनेस और पासिंग और इस तरह के बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स थे जो दो दो चार चार साल के लिए बढ़ा दिए थे, सरकार मॉनिटोरियम दे सकती है, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि डिलीवर फाइनली तो जो बच्चा, जैसे अब
हरियाणा में, हर हरियाणा में भी खासकर यदि दक्षिण हरियाणा की बात करूं, महेंद्रगढ़ की, नारनौल की, रेवाड़ी की, तब वहां से एक एक बार में, एक एक बार में 16-16, 18-18, 22-22 बच्चे हर साल से यूपीएससी क्लियर करने हैं। तो कहीं ना कहीं कोई एक संस्था, कोई ना कोई एक स्कूल जब मुहिम जगानी शुरू करता है तो फाइनली वो बच्चा बड़ा होके करता तो देश की सेवाएं। और वो जब सरकारें इस तरीके से करती हैं कि वो कनाडा ना जाएं, वो यूएसए ना जाएं, वो बाहर की कंट्रीज में ना जाएं और यहीं रह के अपनी सेवाएं करें, फिर से यदि देश के नेतृत्व की बात करें तो बहुत चल रहा है मालदीव और लक्षद्वीप। यदि देश का नेतृत्व लक्षद्वीप में जाके फोटो खिंचाता है तो आज लक्षद्वीप की सारी फ्लाइट फुल जा रही हैं। मेरे ख्याल से एक आइडिया है कि जब आप शिक्षा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओगे, जब आप शिक्षा की न्यू इंजन, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी ढेर सारी लूप होल्स को कवर करते हुए, जब आप सच में ही शिक्षा के ऊपर एक आधार की बात करते हुए निरंतर, मैं तो कह रहा हूँ यदि सरकार फिर से आए 2024 में और फिर से यदि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लूप होल कवर करते हुए उसे ढंग से इंप्लीमेंट करे जाए तो मेरे ख्याल में हर हाथ को रोजगार होगा। जरूरी नहीं होगी कि डंडे मार के ही ट्रिग्नोमेट्री सिखाई जाए, बच्चे को उसके टैलेंट से, उसके बाल मनोचिकित्सक के साथ, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के साथ वो सारी चीज़ें तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास में इंप्लीमेंट कर दी जाएं, जो जाके बाद में बीटेक या करते करते करता, जैसे जीएवी ने प्लस टू के साथ ही एचसीएल कंपनी के साथ टाई अप करा, तो जो बीटेक के बाद बच्चों को प्लेसमेंट मिलती थी, हम जीएवी के केस में बच्चों को ट्वेल्थ के बाद ही प्लेसमेंट दिलवा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो सरकार एक सूत्री प्रोग्राम के तहत हल कर सकती है। और फिर सरकार तो सरकार है, अपने स्तर पर जितनी कार्रवाई हो सकती है स्कूल वाले तो करते ही हैं। बिल्कुल, सरकार तो सरकार है। यही प्रश्न आशीगोट जी आपसे भी है, हम गुरु माँ के दौर से आज मैम के दौर में हैं, तो सिलेबस में सरकार से किस तरीके की उम्मीद है आप, किस तरीके का सिलेबस, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शिक्षा आप दे रहे हैं वो सिलेबस, चाहे वो सीबीएसई हो तमाम अगर बात करें, तो उसमें आप सरकार से किस तरीके की उम्मीदें करते हैं, आने वाले समय में इसको लेकर क्या कहेंगे? डेफिनेटली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, हैज ओपन सो मेनी वाइड स्पेक्ट्रम्स फॉर मी, and I feel if we really work according as per the national education policy and we get a strict support, a very strong support from the government, I feel the basics of the national education policy, which says the competency building program as well as experiential learning, to mujhe lagta hai jo hamare time mein tha na ki ek bhay jo education ke sath related tha, padhai ke sath related tha, mujhe aaj bhi malum hai ki jab ganit ka class hota ya english ka class hota tha to ek dar hota tha, we were supposed to just be emphasizing on the road-based learning. This I'm talking about our education. But आज जो NEP आया है और जो सरकार जिस तरह emphasize कर रही है, जो हम बच्चों को experiential learning की तरफ focus कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगर सरकार इस basically जो जितने भी special emphasized areas हैं, चाहे वो experiential learning हो, चाहे वो competency-based learning है, अगर स्कूलों के पास वो एरेना होगा, तो मुझे लगता है हम अपने बच्चों के लिए काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे। और ट्वेल्थ के पास बाद जब बच्चे एक्चुअली ये समझ नहीं पाते कि सिर्फ JET है या नीट है, इसके अलावा ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ हमारे बच्चों को ज्ञान नहीं होता है, तो वो भी इस शिक्षा के माध्यम से अगर सरकार पुरजोर अपना प्रयास करे, तो मुझे लगता है हमारे बच्चों के पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा और वो किसी भी अंधकार में नहीं रहेंगे, क्योंकि शिक्षा जो आज की तारीख में शिक्षा स्कूलों में दी जा रही है, हर एक टीचर अपनी तरफ से, स्पेशली अगर मैं अल्पाइन की बात करूं और बाकी सब भी कर रहे होंगे, शिक्षक उस पूरे पहलू को कवर कर रहा है जहां बच्चे में शिक्षा के प्रति भय ना हो, बल्कि वो अपनी जो प्रेजेंट एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, जो उसके प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस है, उनको शिक्षा से जोड़ रहा है और वाकई में बहुत ज़्यादा प्रगति कर रहा है। और मुझे लगता है कि हमारे बच्चे जब 12वीं पास करेंगे तो उनको उस एक डिलेमा में नहीं होंगे, उनके पास ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि अब हमें आगे करना क्या है, क्योंकि राइट फ्रॉम ग्रेड 7th ऑनवर्ड्स जब हम करियर काउंसलिंग करवाते हैं बच्चों को, उनको ये बताते हैं कि बिसाइड बीइंग अ डॉक्टर, बिसाइड बीइंग एन इंजीनियर, देयर आर एन नंबर ऑफ स्पेयर्स वेयर यू कैन एक्चुअली डन can actually do very well, and this is only possible because NEP ने जो हमें एक वाइड प्लेटफॉर्म दिया है, जो फ्लेक्सिबिलिटी दी है एजुकेशन सिस्टम को, टीचर्स को, स्कूल को, दैट इज गुड टू गो। एंड सर्टनली अगर वी गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम आर गवर्नमेंट, डेफिनेटली द स्कूल विल डू डेफिनेटली वेरी वेल। थैंक यू। शुक्रिया जी। पारुल जी, आपसे चर्चा करना चाहेंगे, समाज सेविका के तौर पर आपकी एक पहचान है, विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, समाज में किस तरीके का बदलाव आप देख रहे हैं और आप
क्या प्रयास कर रहे हैं इस आदर्श शिक्षा को लेकर, आदर्श रामराज को, जो रामराज की परिकल्पना की बात की जा रही है उसको लेकर के? तो मैं सबसे पहले तो शिक्षा की बात हो रही है तो मैं कौशल विकास की ज़रूर बात करना चाहूँगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी कौशल विकास पे बहुत जोर दे रहे हैं, इंडिया को स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने की बात कर रहे हैं। तो हमारा एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, तो 2 साल मैंने उसमें जो है गवर्नमेंट रिलेशन और इंटरनेशनल रिलेशन की एडवोकेसी हेड की है। जब हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाते थे, दुबई में, सऊदी में, बाकी जगहों पर, और वहाँ जाके एम्प्लॉयर्स से बात करते थे, और जिस तरह की इज्जत और जिस तरह का हमें वो सम्मान वहाँ मिलता था वो पहले कभी नहीं मिलता था एज एन इंडियन। सो हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से हम सर ऊंचा करके देश विदेश हर जगह जाते हैं, पूरी इज्जत पाते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो स्किल डेवलपमेंट, जो वोकेशनल ट्रेनिंग का जो एडिशन एक हुआ है एक बड़े तरीके पर, तो उससे काफ़ी जो है हमारे बच्चों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ से सरकार कितनी कोशिशें कर रही है कि जो हमारी स्किल्ड मैन पावर है, चाहे वो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, चाहे वो वाइट कॉलर वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाएँ और इंडिया को एक सॉफ्ट पावर बनाएँ और देश का नाम रोशन करें। सो स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी मुझे लगा हमें ज़रूर बात करनी चाहिए, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे सबसे बड़े एम्बेसडर हैं उसके लिए आज की डेट में। स्किल डेवलपमेंट की बात जी बिल्कुल सबसे जरूरी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एजुकेशन से खाली नौकरी नहीं मिलती है, ये सबको मालूम है, कुछ ना कुछ हुनर जो है वो जरूर होना चाहिए इंसान में। ये सबसे जरूरी भी है। प्रदीप जी आपसे चर्चा करना चाहेंगे, सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे क्योंकि हमने देखा शायद एक या दो कभी स्कूल हुआ करते थे, फिर पॉलिटेक्निकल कॉलेज खोले, आज एक लंबी लिस्ट है आपके, हम जब देखते हैं जीएवी की, आगे क्या प्लानिंग है जीएवी की? और खासकर मैं इसको लेकर के अध्यात्म लेकर के बात करूंगा, उसको लेकर के आप किस तरीके से आने वाले समय देखते हैं, क्योंकि तमाम हमने अभी कार्यक्रम देखे, कहीं ना कहीं महामंडलेश्वर जो स्वामी जी हैं या अन्य जो धार्मिक गुरु हैं उनको बुला करके आपने स्कूल की शुरुआत करी, बच्चों को भी कोई ना कोई इस तरीके के संदेश दिया, आने वाले समय में इसको लेकर क्या आगे प्लान? कोई चीज ऐसी है जो जच जाती है, तो ऐसे ही जब स्वामी धर्मदेव जी महाराज, हमने विवेकानंद स्कूल को टेक ओवर करा था और जब उसको जीएवी करा, अभी उसकी सारी प्रोसेसिंग ऑन है, तो महाराज जी पहली बार मैं मिला था उनसे 19 दिसंबर 2020 को शायद कोरोना के बाद से, तो ये सारी चीज़ें जैसा आपको मिलता है, जैसी रंगत आती है, जैसी संगत आती है, जब गुरु की महिमा प्रोग्राम हुआ था उसके बाद से लगातार जो बच्चों को सीखने की कला है बहुत आसान है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल करते करते आप लगातार जैसे आप कॉन्सेप्ट लेके आए हो, क्योंकि सब सारा देश राम में हो सकता है कि रामराज, पर विसंगतियां तो समाज में आज भी हैं, बहुत सारी चीज़ें जहां आप महाराज श्री खुद स्वामी धर्मदेव जी महाराज इतने ओजस्वी वक्ता हैं और जो अपना जीवन है, जैसे अभी डीपी गोयल जी बात कर रहे थे कि मंत्री 18-19 घंटे काम कर रहे हैं, महाराज श्री तो सोते ही 3 घंटे हैं असल में जो काम करने की, आज वो कल्पवास में बैठ रहे हैं 1 महीने के लिए, कितने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी लगातार बदली, कभी सामूहिक कन्याओं का विवाह कराते हैं। मुझे हमेशा ये लगता है कि जो बच्चा है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे बाल मनोचिकित्सक की जीएवी के केस में, कि बच्चा 3-4-5 साल की केस में वो क्या है वो बनना शुरू हो जाता है, पहले से दिखना शुरू हो जाता है कि बच्चा बड़ा होकर फाइनली क्या बनेगा। ऐसे आपने बहुत सारे फौजी देखे होंगे, आपने बाघा बॉर्डर की बीटिंग रिट्रीट देखी होगी, उसमें कितने सारे जो सैनिक हैं वो जब भर्ती होते हैं तब वो गाजा बाजा नहीं बजा रहे होते, तब वो सर की हाइट तक आपको सलामी नहीं दे रहे होते, बट फिर फाइनली आर्मी या हमारी फोर्स उनको चूज करती है कि हाँ इस बच्चे में या अब जो ये जवान बन गया इसमें वो टैलेंट है। ऐसे बहुत सारे फौजी आपने देखे होंगे जो बाद में आके फौज से वीआरएस लेने के बाद या नौकरी पूरे करने के बाद कुछ और काम करते हैं। मैं भी एक हूँ, मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, हीरोंडा में काम करा था और उसके बाद मैं अब स्कूल के सेक्टर में हूँ। बहुत हद तक जरूरी है कि एक बच्चे को वो करा दो जहाँ आपको उसमें दिखना शुरू हो जाता कि वो क्या बनेगा कैसे बनेगा। बहुत आसान है कुछ भी कहना कि हाँ शिक्षा रोजगार परक नहीं रही, पहले की शिक्षा इतनी बुरी थी, अब शिक्षा में ऐसा ऐसा हो जाएगा। हम जितने लोग इस प्रांगण में बैठे हैं मेरे ख्याल में उसी शिक्षा पद्धति का हिस्सा है कि कुछ ना कुछ तो अपने स्तर पे बनी गए कि आप लोगों ने इनवाइट भी कर लिया। और सबसे बड़ी बात आज की डेट में तो जो मैडम अभी कह रही थी, सोशल मीडिया के चलते हर आदमी पत्रकार है, आपने इस एंकरिंग को इतना बड़ा तो कर ही दिया है कि देता हो अभिनेता हो कि यदि कुछ भी इवेंट कर लो और आप नहीं आए तो मेरे ख्याल में वो बेकार गया। ऐसी सारी चीज़ें क्यों ना
बचपन से बच्चे में इनकॉर्पोरेट कर दी जाएं, सिखा दी जाएं, बता दी जाएं, और महाराज जी जैसे बड़े वक्ता और लगातार ये अपने अपने संस्कार हैं, भारत में रहते रहते लगातार आप चीज़ें सीखते हो। पीछे 2019 में मैं यूरोप ट्रिप पे गया था तो वो जो गाइड था इंडियन ही था, और मेरे को कह रहा है वो बस में अनाउंस करके कहता पहले लैंड आई और फिर इंग्लैंड आया। मैं खड़ा हो गया हाथ उठा के, मेरी वाइफ को लगा कहीं से यहाँ भी लड़ना ही है। मैंने कहा भाई ये बात गलत है, अपनी समझ में तो नहीं आई, पहले लैंड आई इंग्लैंड आया। 5196 साल का तो गीता उपदेश का इतिहास है इसी हरियाणा का, इसी कुरुक्षेत्र का। तो तेरा भाई 3000 साल पहले लैंड और इंग्लैंड आया, उससे पहले तो ये देश लाखों अरबों सालों से मतलब राम को पूजता आया है, निभाता आया और उस शैली को करता आया। आज भी सुप्रीम कोर्ट से लेके और हाई कोर्ट से लेकर नीचे लोअर कोर्ट तक जब भी कभी रेफरेंस लेना पड़ता है तो वो सो कॉल्ड बड़े जज भी इस चीज को लगातार रामायण का रेफरेंस से लगातार नए फैसले सोल। रही बात गीता की, ये भी तो नाम ही गीता एंग्लो वैदिक पे है। गीता आज की डेट में ढेर सारे देशों में प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक्स की तरह रेफर करी जाती है। तो इस देश का, इसका इतिहास, इसका कल्चर इतना समृद्ध है कि, और उसके बाद अब जब 22 जनवरी आ रही है तो उस दिन कह रहे थे मुरलीधर जी, कहता आप लोग जो कथा करवा रहे हो, कहता पता नहीं आपकी झोपड़ी के भाग खुले ना खुले क्योंकि आपकी झोपड़ियां थोड़ी बड़ी हो गई हैं, पर कम से कम जब नेतृत्व ये बात करता है कि हाँ आज मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे तो कम से कम जिन गांवों में लाइट पहुंची है, जिन गांवों में पहली बार उजियारा हो रहा है, अयोध्या के थ्रू जो पीछे विधायक जी कह रहे थे कि लगातार और बहुत सारे लोगों को रोजगार और काम की चीज़ें मिलेंगी, जहाँ धर्म को जोड़ के यदि आप अपने बच्चों को अपनी संस्कृति की तरफ ढाल सकते हो, वो एक ईमानदार प्रयास समझिए कि थ्रू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, महाराज जी भी लगातार कहते हैं कि हमने इंग्लिश पढ़ानी छोड़ दी है या हमने बच्चों को टेक्नोलॉजी पढ़ानी छोड़ दी है। तो मैं खुद भी टेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं एक बड़े कॉरपोरेट में काम करके आया हूँ। बात इंग्लिश की नहीं है, बात है कि अपने बच्चों को लगातार गाली गलौज से दूर करके माँ बाप के पैर छुएने की संस्कृति के साथ यदि ये भी नहीं आया कुछ गुड़गांव को, पूरे हरियाणा को कर पाया, देश में ब्रांचेज खोल के कर पाया, तो ये मेरा विजन है कि कम से कम यदि जीएवी पैन इंडिया लेवल पे अपनी ब्रांचेज खोले तो बच्चों को अपने रूट्स की तरफ वापस जरूर जोड़ेगा, ये समाज से मेरा वादा है। आशीकोट जी, आपसे भी यही प्रश्न, एल्पाइन कॉन्वेंट स्कूल के आने वाले दिनों में क्या कुछ प्लानिंग है, और खासकर क्योंकि अब तो एग्जाम का दौर है, वैसे तो तमाम बच्चों को अब पढ़ाई में और ज्यादा जोर उन पर ज्यादा देना है, लेकिन फिलहाल आने वाले समय में क्या कुछ प्लानिंग इसको लेकर? अगर बात करूं मैं हमारे स्कूल की, तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए जो अभी प्रश्न है, हमारे जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी सबसे बड़ी जो एक इशू आता है वो ये है कनेक्ट, जोड़। चाहे बच्चे का जोड़ या कनेक्ट अपने पेरेंट्स से हो, चाहे अपने संस्कारों से हो, चाहे अपनी पास्ट हिस्ट्री से हो, चाहे आने वाले समय के साथ हो, वो कनेक्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और कनेक्ट केवल एक्सपीरियंशियल लर्निंग से ही हो सकता है। स्कूल एल्पाइन स्पेसिफिकली फोकस कर रहा है कि ठीक है, हम लोगों ने मॉडर्न मेथोडोलॉजीज, बिकॉज एल्पाइन की अगर मैं बात करूँ तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सेफ्टी सिक्योरिटी एडमिशन प्रोसेस, इट्स वंडरफुल। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जिसमें एज ए प्रिंसिपल मुझे मैनेजमेंट का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है वो ये है कि मैं अपने बच्चों को समाज में जो हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपने बच्चों को बाहर स्कूल के बाहर भी एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवा रहे हैं, जिसमें बच्चों को ये पता लगे कि अंडर द क्लोज क्वार्टर्स तो उन्हें सब कुछ मिल ही रहा है, पर जब आप बाहर जाके देखते हैं तो किस तरह की परेशानियाँ हैं और उन परेशानियों को वो कैसे जूझेंगे एजुकेशन के माध्यम से। तो दैट्स द बेसिक टारगेट विच आई एम फोकसिंग फॉर। और मुझे लगता है कि जब बच्चों को ये समझ में आ जाएगा कि ये गलत है ये सही है, क्योंकि वो अनुभव करेंगे तो वो उसको ज़्यादा अच्छी तरह इम्बाइब कर पाएंगे रादर जस्ट फोकसिंग ऑन द रोड बेस्ड लर्निंग। तो हम वी आर गोइंग ऑन द प्लेटफॉर्म एक ऐसे माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बेसिकली इज विच इज कनेक्ट, चाहे वो कनेक्ट है हमारे पेरेंट्स जो हमें बहुत हेल्प आउट कर रहे हैं, कनेक्ट हमारा मैनेजमेंट, कनेक्ट हमारी कम्युनिटी, क्योंकि अगर आपके पास कम्युनिटी का कनेक्ट नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चों में वो बदलाव आ पाएगा जो एज ए शिक्षक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो डेफिनेटली वी हैव मेजर गोल्स टू अचीव एंड द मेजर गोल व्हाट आई फील इज कि मेरा बच्चा जब बाहर खड़ा हो तो उसकी पर्सोना में सबसे इम्पॉर्टेंट हो कि वो अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड हो, वो अपने वैल्यूज के साथ कनेक्टेड हो, उसे मालूम हो कि मुझे अपने बड़ों का सम्मान करना है, वो फोर्स ही नहीं हो, वो खुद आए और वो उसकी पर्सोना में झलके, ये एल्पाइन कोशिश करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीकोट जी,
पारुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रदीप कौशिक जी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम शिक्षा को लेकर जो बात कर रहे थे, जब हम रामराज की बात कर रहे थे, तो मेरे हिसाब से सबसे अहम ही ये एक ऐसा टॉपिक था, क्योंकि इसी से ही किसी आदर्श की, किसी चरित्र की आगे परिकल्पना, और यही वो मुद्दा था जो शिक्षा के बाद, चाहे कोई आईएएस बने, आईपीएस बने, कोई शिक्षक ही बने या डॉक्टर बने, वो भूमिका उसमें शिक्षक की और शिक्षा की होती है, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे इस राम राज में शिक्षा के महत्व को लेकर के। फिलहाल इस सत्र में इतना ही, एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।